मॉर्निंग स्टूडेंट, तो होप सो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस की पूर्वी वीडियोस वो देखे होंगे। उसमें मैंने जो फिंगर प्रैक्टिस से जो बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया है, लेसन नंबर वन से हमने स्टार्ट किया है जो फिंगर प्रैक्टिस से, फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, नोट्स कैसे होते, कहाँ का फ्रेडबोर्ड पे है, फिर कॉर्ड्स, इन्वर्जन्स और कॉर्ड के कुछ पैटर्न और कहाँ कहाँ पे कॉर्ड्स है, ओके। और हम जो सॉन्ग कैसे हम प्ले करते हैं, वो टैबलेचर हम पढ़ते कैसे हैं, वो सारी जो बातें हमने अब तक प्रीवियसली वो देख चुके हैं। तो ओके, तो स्ट्रमिंग के वो पैटर्न्स भी आपको मैं वो सिखा चुका हूँ। तो आज का जो लेसन जो होने वाला है, तो वो आपका है वो स्पेशल वो टेक्निक्स के ऊपर। तो स्पेशल वो टेक्निक्स आप कैसे आप प्ले करते हो, उसे हम बोलते हैं चकिंग, या फिर जो पाउसिंग, या फिर जो म्यूटिंग। तो बहुत सारे आपने स्ट्रमिंग के जो पैटर्न्स वगैरह आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि हम चकिंग हम करते हैं, ओके, जैसा हम करते हैं, या फिर हम पाउस करते हैं, ओके, तो या फिर हम म्यूटिंग की हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम कुछ वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्स्ट वाली जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं चकिंग। तो चकिंग के लिए आपने अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसको थोड़ा सा आपने ये पीछे कर लेना है, ओके। आप पीछे इसलिए आप करते हो क्योंकि ये जो फिंगर है ये आपकी स्ट्रिंग्स के ऊपर वो लगेगी, इसकी आपकी वजह से, ओके। और अपने जो प्लेक्ट्रम है ना, वो आपने थोड़ा सा वो बड़ा पकड़ना है, ओके, क्योंकि वो चकिंग हम क्या करते हैं, हम मोस्टली हम डाउन ही करते हैं ना। तो कैसा है कि आप जब कर रहे हो तो इस तरह आप करते हो, इस तरह ला करके आप करते हो, और इस स्ट्रिंग को आपको ये मारना नहीं है। आप क्या कर रहे हो, इसे पार कर रहे हो, और उसी वक्त क्या कर रहे हो, आपका पाम है ना, इतना पोर्शन, ये वाला इतना पोर्शन क्या कर रहे हो, उसी टाइम आप रखते हो, तो चक करके आवाज करता है, ओके। इस तरह ये चकिंग का आपको ये साउंड आता है, ओके। तो कॉर्ड अगर आप प्ले कर रहे हो ना, तो एकदम से ऑफ हो जाता है, ओके। तो इस तरह हम चकिंग करते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगी, और मैंने आपको बताया फर्स्ट फिंगर को थोड़ी सी पीछे रखना, नहीं तो आपके उंगलियों पे ही लगेगा ये स्ट्रिंग्स, ओके, बार बार। और आपने अपना हाथ है ना, ये ज़्यादा नीचे नहीं करना है, ऐसे प्ले करते वक्त बहुत ज़्यादा ये डाउन नहीं करना, ऐसे घुमा करके नहीं करते रहना, ये हाथ हल्का स्ट्रेट ही रखेंगे, ओके, ओके। बहुत ज़्यादा ये ऐसे करके टिल्ट करके नहीं करना, ओके। और ये आप जो आपका पोर्शन है, ये आपका ये वन टाइम में एक साथ आता है, तो ये आप 100 टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, 1, 2, 3। और प्लेक्ट्रम का जो मुंह है ये 3 स्ट्रिंग पे वो लगता है, ओके, 3 या 4 स्ट्रिंग पे, पूरा लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी ले सकते हो 3 स्ट्रिंग, बट प्रॉपर होगा कि ऊपर ही ले आप, ओके, ओके। ये चकिंग का जो बेसिक से और भी टेक्निक्स है वो चकिंग करने के, लेकिन बट ये आपका बेसिक टेक्निक है, ओके। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न को हम ला सकते हैं, ओके, डाउन, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउन चक, डाउन चक, डाउन चक, डाउन चक, डाउन चक, अप चक, ओके, डाउन चक, डाउन चक, डाउन चक, अप चक। इसका एक फ्लो है, आप उसे आप माइंड में रखो ना, ना 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 ना। तो वो दो स्ट्रमिंग पैटर्न से, मीन्स एक फर्स्ट वाला डाउन चक, डाउन अप चक है, ओके, और सेकंड वाला है डाउन अप चक, अप चक, डाउन अप चक, अप चक, डाउन अप चक, अप चक, ओके। तो मैं फर्स्ट वाला एक बार प्ले करता हूँ और सेकंड वाला प्ले करता हूँ, फिर मैं फर्स्ट वाला प्ले करता हूँ और सेकंड वाला प्ले करता हूँ, इससे क्या थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो बहुत सारे सॉन्ग्स आप कोई भी सॉन्ग के लिए प्ले कर सकते हो, बोथ आप रख सकते हो, फर्स्ट रख सकते हो, या फिर आप सेकंड प्लस करके रख सकते हो, या फिर अगर आपको स्टार्टिंग में अगर नहीं आ रही तो डाउन डाउन चक, डाउन अप चक ही रखो और उसमें अप ला लो, आपको भी सॉन्ग प्ले कर पाऊंगे इसमें, ओके। इसके बाद कैसा है, इसके बाद आता है आपका डाउन अप, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन अप चक, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ओके, तो ये हो गया कि स्ट्रमिंग के साथ में वो चकिंग की प्रैक्टिस। ओके।